एवरीवन, इट्स मी अश्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप लोग साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकता है कि आप लोगों को परचेज करना चाहिए नहीं, क्योंकि गुड वाइब्स प्रोडक्ट के बारे में मैं आज आप लोग के बारे में आप लोग के साथ डिटेल में बात करने वाली हूँ गुड वाइब्स प्रोडक्ट के बारे में। तो गुड वाइब्स क्या है ना, आप लोग बहुत जगह पे देखे होगी, पॉजिटिव हर जगह उसका पॉजिटिव ही रिपोर्ट आप लोग देखे होगी। मैं भी उसी के थ्रू गुड वाइब्स का बहुत सारा प्रोडक्ट अभी तक परचेज करके अपने साथ रख चुकी हूँ। तो मैं वन बाय वन सारे के सारे प्रोडक्ट आप लोग साथ शेयर करूंगी कि कौन सा मेरे लिए यूजफुल रहा, कौन सा मेरे लिए यूजफुल नहीं रहा। सो गाइस, गुड वाइब्स के मोस्टली प्रोडक्ट अभी तक मैं परचेज कर चुकी हूँ, ट्राई कर चुकी हूँ। एक वक्त बीत चुका है, मेरे ख्याल से एक साल से मैं गुड वाइब्स के अलग अलग प्रोडक्ट को ट्राई कर रही हूँ। ये कोई भी स्पॉन्सरिंग नहीं है गाइस, ये कोई भी स्पॉन्सरिंग नहीं है। मैं टाइम टू टाइम गुड वाइब्स के प्रोडक्ट परचेज कर लेती हूँ। जब भी मैं पर्पल से शॉपिंग करती हूँ तो कुछ ना कुछ गुड वाइब्स के प्रोडक्ट ले ही लेती हूँ। और तो इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा एक अच्छा हेल्प मिल गया है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट खराब है, आप लोगों को कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यार किसी भी चीज में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि एक परफेक्ट अच्छा रिजल्ट मिले। तो इसीलिए मैं आज आप लोग से शेयर कर रही हूँ गुड वाइब्स के कुछ प्रोडक्ट, जो कि कैसे हैं, अच्छे हैं, खराब है। कुछ प्रोडक्ट अच्छे हैं, कुछ प्रोडक्ट मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग, मेरे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मुझे सूट नहीं किया वो आपको सूट ना करे, या जो मुझे सूट किया वो आपको भी सूट करे, ये कोई भी गारंटी नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी के स्किन टाइप अलग होते हैं, स्किन टोन अलग होते हैं। तो इसलिए, बट हाँ, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट अभी तक हो चुके हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर आप मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि जब भी मैं कोई भी न्यू शॉपिंग करती हूँ ना, तो मैं इंस्टाग्राम पर जिस दिन मेरा पार्सल रिसीव होता है मैं वैसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती हूँ। तो इसलिए इंस्टाग्राम पर अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को पता होगा कि मैं गुड वाइब्स के प्रोडक्ट को कब कब शॉप की हूँ, कब कब परचेज करी हूँ, और कितने टाइम से मैं कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, मेरे पास टोटल 16 गुड वाइब्स के प्रोडक्ट है अभी मेरे पास में। कुछ खत्म हो चुके हैं तो मेरे ख्याल से उनके बॉक्सेस मैं फेंक चुकी हूँ, बट जो है मेरे पास मैं वो आप लोग साथ शेयर करती हूँ, कौन सा बेस्ट है और कौन सा मुझे पसंद आया, किसका मेरे स्किन पर किस तरीके के इफेक्ट मिला, वो सब मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कुछ पाउडरी फॉर्म वाले की तरफ चलते हैं। ये सारा क्रीमी फॉर्म हो गया, ये सारा पाउडरी फॉर्म हो गया। तो जो फेस मास्क वगैरह बनाते हैं हम लोग घर पर DIY, उसके लिए मैं कुछ पाउडरी फॉर्म का मंगाई थी, जिसमें से मैं 3 मंगाई हूँ, वो भी दूसरे का वीडियो देख करके मैं मंगाई हूँ कि हाँ ये DIY में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। इसीलिए उसके बाद फिर मेरा क्या ओपिनियन है, मुझे कैसा रिसीव हुआ, मेरे स्किन पे किस तरीके से गया, वो सब मैं आज आप लोग साथ बताती हूँ। तो नीम लीव्स पाउडर गुड वाइब्स का जो मैं पहला ली हूँ वो है ये हमारा नीम लीव्स पाउडर, कैप्चर कर लो। हाँ, गुड वाइब्स नीम लीव्स पाउडर। तो इस तरीके से पैकेजिंग है। जो हमारा सेकंड है वो फुलर्स अर्थ है, जो जिसको कि मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं। ये बहुत छोटा सा पैकेजिंग है। और थर्ड वन जो है वो हमारा चारकोल का पाउडर है, ये चारकोल का मास्क नहीं है गाइस, ये चारकोल पाउडर है। तो चारकोल पाउडर से हम लोग किसी भी तरीके से मास्क बना सकते हैं, इसलिए मैं इसको मंगाई थी, बट मुझे उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं दिखा इन तीनों में से किसी का भी, वो मैं अब आप लोग को बताती हूँ। जो नीम लीव्स पाउडर है इसका प्राइस मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को सबसे पहले प्राइस बता देती हूँ, वेयर इज द प्राइस, 105 रुपीज है। और नीम का जो लीव का पाउडर है ना, क्योंकि मैं नीम लीव्स हमेशा से यूज करती हूँ, जिसकी वजह से ग्राइंड करके ओरिजिनल नीम लीव्स को मैं ग्राइंड करके हमेशा से अपनी स्किन पर एज अ फेस मास्क यूज करती हूँ, उससे जितने भी पिंपल्स मुझे हुए रहते हैं वो सारे सारे चल जाते हैं, और जितने भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से फेस करता है नीम का जो पेस्ट होता है, वो आपके फेस पर किसी भी तरीके की कोई भी पिंपल्स, रैशेस, छोटी मोटी घमौरियां, इन सब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके फेस पर नहीं होने देता। इसमें मुझे पसंद था, बट हमेशा नीम का जो लीफ है वो मिलना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैं सोची कि चलो गुड वाइब्स तो नेचुरल होते हैं, तो गुड वाइब्स का नीम लीफ पाउडर मंगा करके देखती हूँ। बट इसमें मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं, जब मैं इसको अप्लाई की तो ना ही मेरे फेस पर किसी तरीके का कोई इफेक्ट दिखा, ना ही कुछ भी। मेरा जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत एक्सेस सेंसिटिव है, फर्स्ट यूज के बाद ही इसका इफेक्ट मेरे स्किन पर बिल्कुल भी नहीं लगा, और मुझे ऐसा फील हुआ जैसे इसमें धूल भी मिक्स है, और ये मुझे किसी भी तरीके से नीम का पाउडर लग ही नहीं रहा था। फेस पर जब मैं इसको अप्लाई करी कोई इफेक्ट नहीं दिखा, और मेरा फेस बहुत ज्यादा ड्राई हो गया, बहुत ज्यादा खिंचा खिंचा सा फील होने लगा,
और तो इसीलिए मैं सिर्फ इसे एक बार ही यूज करी, उसके बाद फिर ये मेरे लिए यूजलेस रह गया है। तो इसका मैं कोई भी यूज नहीं की, सिर्फ एक बार ही यूज करी थी, उसके बाद बिल्कुल भी मुझे ये पसंद नहीं आया। इसलिए गुड वाइब्स का मुझे नीम लीव्स पाउडर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को नीम लीव्स का पाउडर यूज करना है तो गाइस इसलिए ये वर्स्ट बाइंग में चला गया, तो मेरा इसको परचेज करना वेस्ट रहा। तो इसीलिए अगर आप लोग इसका यूज करते हो, अगर आप लोग को किसी तरीके का इसका इफेक्ट दिखा है, किसी भी तरीके का आपकी स्किन पे इफेक्ट दिखा है, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो जो है ये हमारा फुलर्स अर्थ, तो मुल्तानी मिट्टी। हर इंडियन के घर में एक मुल्तानी मिट्टी का पैक तो होता ही है, जो मार्केट में मिलता है उससे लेकर के मुल्तानी मिट्टी गुलाब जल सभी के घर में मोस्टली आपको पाए जाएंगे। क्योंकि हमारे पास कुछ और हो या ना हो, मेरे पास पहले भी जब मैं इसमें यूट्यूब पे नहीं थी उससे पहले मेरे पास कुछ था या नहीं था, बट मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल तो था ही था, तो इसलिए मुल्तानी मिट्टी बहुत ज्यादा सही होता है। बट ये जो गुड वाइब्स का मुल्तानी मिट्टी है ना, इसका खास बात ये इतना ज्यादा सॉफ्ट है गाइस, इतना ज्यादा एक्सेस सॉफ्ट है, मतलब कि जब आप लोग इसको फेस पर अप्लाई करोगे ना ऐसा लगेगा जैसे आपने क्रीम अप्लाई किया हुआ है। ऐसे तो है ये पाउडरी फॉर्म में, बट इसको बनाना पड़ेगा मास्क, आपको मास्क बनाना पड़ेगा गुलाब जल मिक्स करके इसको अच्छी तरीके से, एलोवेरा जेल भी चाहो मिक्स करके इसको बना सकते हो। मास्क बनाने के बाद जब आप इसे पेस्ट के जैसे अपने फेस पर अप्लाई करोगे ना, उसके बाद आपके फेस पर बहुत अच्छा कूलिंग सेंसेशन भी होगा, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग आपके मसल्स को, फेस मसल्स टाइटन अप लगेंगे, बहुत अच्छे फील होंगे। उसके साथ साथ जब आप इसे वॉश करोगे ना, आपके फेस पर लगेगा जैसे आप क्रीम को वॉश कर रहे हो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सही है। और ये इतना छोटा पैक का ना, मेरे ख्याल से ये 85 रुपीज का था, और ये 150 रुपीज का है, बट ये 85 में हमें को मिल गया था पर्पल से। इसको ना छोटे से स्पून से, बस आप एक स्पून लेकर उसमें गुलाब जल डाल करके एक थिन लेयर अपने फेस पर अप्लाई करोगे ना, बहुत है। तो ये इतना छोटा सा पैक भी ना आपका बहुत अच्छे से एक लंबे समय तक चल सकता है। तो हाँ, इसलिए ये मुझे पसंद आया, ये अच्छा लगा था, तो ये ओके है। देखते हैं अपना हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट है, वो है ये गुड वाइब्स का चारकोल पाउडर। चारकोल पाउडर तो हम सब चारकोल मास्क का यूज किए हैं, और चारकोल जनरली पील ऑफ मास्क का मैं एक बार यूज की थी तो मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि नोज पर जितने भी डस्ट होते हैं ना वो उससे बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। तो मैं सोची थी चलो ठीक है, इसे DIY वगैरह करूंगी, होममेड तरीके से कुछ कुछ करके करूंगी, लेकिन इसका स्मेल इतना घटिया, इतना गंदा स्मेल है इसका, जिस तरीके से रोड साइड नाला का स्मेल होता है ना, उसी तरीके से इसमें से महक आती है। तो जब भी मैं इसका पेस्ट बना करके अपने नाक के ऊपर लगाती हूँ ना, डायरेक्टली स्मेल मेरे नाक में जाता है, बहुत बहुत ज्यादा घटिया स्मेल है इसका, तो ये बर्दाश्त नहीं हो पाता इसका स्मेल, इसीलिए ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक बार मैं कुछ पूरे ऑल ओवर माई फेस इसे लगा ली थी, तो फेस पर लगाने के बाद क्या हुआ था, मेरा फेस और भी ज्यादा डार्क लगने लगा था। ऐसे चारकोल तो अंदर के जितने भी इम्प्योरिटीज, डस्ट, ये सब होते हैं, इन सबको निकाल देता है, ऑयल को भी निकाल देता है, लेकिन इसको फेस पर लगाने के बाद मेरे फेस और भी ज्यादा डल हो गए थे और बहुत ज्यादा बेजान लगने लगे थे, सूखे हो गए थे। इसलिए मुझे ये चारकोल पाउडर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसकी स्मेल बहुत ज्यादा घटिया है, बहुत ज्यादा घटिया इसका स्मेल है। तो हाँ, अगर आप लोग चाह रहे हो इसे खरीदने के लिए ना, बिल्कुल भी मत खरीदना, सबसे पहले आप इसकी स्मेल से ही पागल हो जाओगे। गाइस, जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो वन ऑफ माय फेवरेट है गुड वाइब्स का। तो ये गुड वाइब्स का पपाया फेस मास्क है। इसको जब मैं अप्लाई करी थी, सॉरी फेस मास्क है, पपाया का फेस मास्क है, इसको मैं पूरा खत्म कर चुकी हूँ, आराम से इसको अप्लाई करी थी। ये आप लोग देख सकते हो, ये पूरा पूरा खाली हो चुका है, ब्लैंक हो चुका है। इसके फ्रेग्रेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा था, जैसे कच्चा पपीता का खुशबू होता है उसी तरीके से इसके इसमें भी खुशबू था। पपाया हम सभी जानते हैं हमारे स्किन टोन के लिए कितना ज्यादा अच्छा होता है, हमारे स्किन को थोड़ा सा जो मेलानिन प्रोड्यूस हो जाता है, बहुत ज्यादा मेलानिन को डिक्रीज करके हमारे स्किन टोन को इंक्रीज करता है, हमारे स्किन टोन को बढ़ाता है, और हमारे स्किन टोन में एक जान भी दे देता है, आपका टोन जो है वो कुछ शेड ब्राइटर कर देगा। ये मुझे इसको अप्लाई करने के बाद, इसको यूज करने के बाद मुझे ये बहुत ज्यादा सही लगा, और इसके बाद मेरे स्किन पर भी मुझे बहुत अच्छा इफेक्ट दिखा। मुझे इस साइड पे लिप्स के कॉर्नर पे पिगमेंटेशन थी, बट इसको यूज करने के बाद मुझे वो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम कम दिखा, इसलिए ये वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट में जाता है, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। सो यप, गुड वाइब्स का अगर आप एक अच्छा मास्क ट्राई करना चाहते हो तो गुड वाइब्स का ये पपाया मास्क जरूर से ट्राई कर सकते हो। गाइस, अब बात करते हैं हम अपने फेस सीरम की। तो दो फेस सीरम मैं परचेज की थी, ये कार्डबोर्ड बॉक्स में आते हैं जिसका बॉक्स मैं फेंक चुकी हूँ। तो एक है रोज हिप सीरम, दूसरा है टी ट्री एंड पपाया ऑयल कंट्रोल सीरम। तो मेरा जो स्किन है वो ऑयल बेस्ड तो नहीं है, बट मैं ये टी ट्री एंड पपाया इसलिए ली थी क्योंकि मेरे फेस पर पिंपल्स एंड ऑल ये सब आ रहे थे,
तो टी ट्री जो है वो बहुत अच्छे से ट्रीट करता है पिंपल्स जब आते हैं फेस पर तो, और पपाया जो होता है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ स्किन टोन को ब्राइटन अप करता है, तो इसलिए मैं इसको ली थी, बट ये मेरे फेस पर बिल्कुल भी नहीं गया। उसके बाद इसने और ज्यादा मुझे फेस पर दाने, साइड साइड में छोटे छोटे दाने आने स्टार्ट हो गए इसके यूज से। उसके बाद फिर मैं सेकेंडली रोज हिप का सीरम मंगाई, क्योंकि रोज हिप सीरम के बारे में बहुत ज्यादा सुनती थी, सारे यूट्यूबर्स के मुंह से सुनती थी कि गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम बहुत ज्यादा अच्छा होता है, स्किन टोन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, स्किन को बहुत स्मूथ बना देता है, स्किन टेक्सचर को अच्छा कर देता है। तो मैं बोली चलो ठीक है रोज हिप सीरम भी मंगा करके देखते हैं। रोज हिप जब मैं ट्राई की तो सीरम लिटरली मेरे फेस पर पता नहीं क्यों जाता नहीं है, बट स्किन केयर के जैसा मैं इसको यूज कर रही थी, नाइट टाइम पे भी यूज कर रही थी, डे टाइम पे भी यूज कर रही थी, बट मेरी स्किन के साथ गया नहीं। और मुझे बहुत ज्यादा चिपचिपापन आने लगा फेस पर, बहुत ज्यादा ऑयलीनेस आने लगी फेस पर, इसलिए ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बट हाँ जब मैं मेकअप से पहले इसको यूज करती हूँ ना उसके एज अ बेस, जब मैं मेकअप से पहले इसे एज अ बेस यूज करती हूँ रोज हिप को, उसके बाद जब मैं मेकअप करती हूँ अपने फेस पर, तो मेरा जो फेस होता है वो बहुत ज्यादा ग्लोई हो जाता है, मेरा जो मेकअप होता है वो बहुत ज्यादा नेचुरल लगने लगता है, और जो मेरा मेकअप होता है वो बहुत ही अच्छा ग्लोई सा, ग्लोई सा बहुत प्यारा, बहुत ही सेटल टाइप का मेकअप लगने लगता है। तो इसलिए मुझे मेकअप से पहले इसे लगाना पसंद है, बट एज अ स्किन केयर ये सीरम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो हाँ, और ये तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सो यप, देखते हैं जो है वो हमारा नेक्स्ट है पोमीग्रेनेट जेल। तो पोमीग्रेनेट जेल जैसे एलोवेरा जेल होता है वैसे ही बेदाना का जेल। तो ये मैं इसलिए मंगाई थी क्योंकि मैं पोमीग्रेनेट स्क्रब गुड वाइब्स का ही यूज कर रही थी। स्क्रबिंग के बाद मेरा फेस बहुत ज्यादा ग्लो करने लगता था, बहुत ज्यादा स्मूथ लगने लगता था, ऐसा लगता था जितने भी फेस में मेरे डस्ट है वो सारे निकल चुके हैं, मेरा फेस बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया था, स्किन की जो टेक्सचर होती है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई थी। तो इसलिए मुझे लगा कि जब स्क्रब इतना अच्छा है तो मुझे ये जेल भी मंगाना चाहिए। जेल से मैं 2-3 बार मसाज कर चुकी हूँ अपने फेस को, तो हाँ जेल ये बहुत ज्यादा सही है। पोमीग्रेनेट के प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे, सॉरी पोमीग्रेनेट के इंग्रेडिएंट मुझे बहुत अच्छे लगे गुड वाइब्स में। पोमीग्रेनेट यूज करने के बाद ना मेरा स्किन सही में ब्राइट हो जाता है और बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है, इसीलिए हाँ मुझे ये जेल भी बहुत अच्छा लगा। ये बिल्कुल ही एकदम जैसे पोमीग्रेनेट का कलर होता है ना, बेदाना का कलर होता है, वैसे ही इसके जेल का भी कलर है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, तो ऐसे इसका कलर है। स्मेल भी बहुत ज्यादा सही है इसकी, बहुत ज्यादा सही है इसकी भी स्मेल। सो या, जो गुड वाइब्स का नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मल्टी विटामिन स्किन एनहांसमेंट फेस क्रीम। तो ये मैं अपनी मम्मी के लिए मंगाई हूँ क्योंकि इसमें मल्टी विटामिन है, तो एक एज हो जाने के बाद ना हमारे स्किन को विटामिन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो इसमें मल्टी विटामिन है, इसमें अलग अलग तरीके के विटामिन दिए हुए हैं, तो इसको यूज करने के बाद ना फेस बहुत अच्छा नरिश्ड हो जाता है, बहुत ही अच्छे ग्लोई हो जाता है। इसे एज अ डे क्रीम एज अ नाइट क्रीम आप लोग यूज कर सकते हो। गुड वाइब्स का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोग यूज करते हो तो एज अ डे क्रीम एज अ नाइट क्रीम यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ बस सन में जाने से पहले आप इसे यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें सन स्क्रीन नहीं है। आप चाहो तो सनस्क्रीन लगाने के बाद ही से लगा सकते हो या फिर पहले से लगा सकते हो। अगर आप लोग सनस्क्रीन अलग से लगाते हो तो फिर आप इसे अप्लाई करके जा सकते हो। तो हाँ ये मल्टी विटामिन भी बहुत ज्यादा अच्छा है, ये स्किन के टेक्सचर को स्मूथ करता है, रिंकल्स को रिड्यूस करता है, फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, और जितने भी छोटे मोटे पोर्स ओपन हो जाते हैं उन्हें टाइट अप करके ब्लॉक मार देता है, लाइक अच्छे से आपकी स्किन के टेक्सचर को एकदम स्मूथ बना देता है। तो हाँ इसके यूज से ना आपका स्किन अच्छा हो सकता है। तो अगर आप लोग किसी एंटी एजिंग क्रीम के चाहत में हो या फिर किसी एंटी एजिंग क्रीम के बारे में आप लोग सोच रहे हो तो आप लोग गुड वाइब्स का इस तरीके का क्रीम यूज कर सकते हो। सो गाइस, जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो दोनों का दोनों लाइक एम्प्टी हो चुका है, मैं इन दोनों को यूज कर चुकी हूँ। फर्स्ट वन इज कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम। तो जब विंटर सीजन चल रहा था उसी टाइम में मैं इसको यूज करी थी, तो ये कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम है, ये खत्म भी हो चुका है तो मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ। हाँ एक गुड वाइब्स का एक मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा कि ये बॉक्स ना अपने आप से टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो ये बॉक्स अपने आप से टूट करके ये क्रीम के अंदर गिर चुका है। क्रीम बहुत अच्छा था बट जब ये गिरना स्टार्ट हुआ तो ये कांच के जैसा था, तो क्रीम में जाकर के मिक्स हो गया था, तो फिर मैं इसे यूज नहीं कर सकती थी। बट ऑल ओवर क्रीम बहुत ज्यादा अच्छा था, पैकेजिंग थोड़ी सी इन लोगों की मुझे चीप लगी इस चीज में क्योंकि ये बॉक्स टूटना स्टार्ट हो गया, अभी भी ये टूट रहा है तो इस तरीके से निकल रहा है और ये बहुत ज्यादा पॉइंटेड है, तो अगर क्रीम के साथ आपके फेस पर जाएगा ना तो आपके फेस में कटवट आ सकता है। बट ये कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम बहुत ज्यादा सही है, ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, लाइटन अप करेगा और नरिश करेगा, क्योंकि कोकोनट आपकी स्किन को मोस्टली नरिश करने के काम में आता है। जब नरिश करेगा तो साथ ही साथ आपकी स्किन की जो टेक्सचर है वो भी स्मूथ होगी। तो हाँ अगर आप लोग विंटर सीजन आ रहे हैं आप लोग ये कोकोनट क्रीम का यूज कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा बेस्ट है। गाइस जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट वाला गुड वाइब्स का प्रोडक्ट है वो फिर से ये पोमीग्रेनेट
स्किन स्क्रब है जिसके बारे में कुछ देर पहले आप लोगों से बात कर रही थी। तो इस स्क्रब को मैं मोस्टली यूज कर चुकी हूँ और इसके भी जो बॉक्स है वो ऊपर से टूटने स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ यहाँ से। इसकी ये भी देख सकते हो पूरा पूरा खाली हो चुका है। बहुत प्यारा बेबी पिंक सा कलर था, उसमें छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी की जैसे छोटे 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 दाने थे जिससे मेरा फेस स्क्रब होता था। तो ऑब्वियस ही बात है मैं फिर से इसको मंगाऊंगी क्योंकि ये मेरे फेस पर बहुत ज्यादा अच्छे से गया है। और पपाया वाला भी मैं दोबारा मंगाऊंगी इसके साथ। तो स्क्रब मैं ये यूज करती थी और पपाया फेस मास्क यूज करती थी, ये दोनों कॉम्बिनेशन मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा अच्छे से जाता था। तो अगर आप लोग एक अच्छा स्क्रब खोज रहे हो ना, गाइस अगर आप किसी अच्छे स्क्रब की तलाश में हो तो आप लोग गुड वाइब्स का ये पोमीग्रेनेट स्क्रब की तरफ से जरूर 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 से जाना। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ आप लोगों को ये पोमीग्रेनेट वाला स्क्रब, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा सही है। आंख बंद करके आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, ऑल स्किन टाइप वाला पर जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर से है मेरे पास ये पोमीग्रेनेट ग्लो टोनर। तो मैं एक चीज आप लोग को बता देती हूँ, टोनर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो मेरी स्किन पर, पता नहीं क्यों मेरी स्किन पर जाता ही नहीं है। इससे पहले मैं बायोटिक का टोनर मंगाई थी, वो भी मेरे फेस पर नहीं गया, ये भी मेरे फेस पर नहीं गया। मुझे लगा था पोमीग्रेनेट मेरी स्किन पर जा रहा है, तो चलो एक टोनर मंगा करके देखते हैं। इतना खूबसूरत टोनर था यार, बट ये मेरे फेस पर नहीं गया। मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा अफसोस है कि ये मेरे फेस पर क्यों नहीं गया। और ये वैसे का वैसे ही फुल रखा हुआ है, ट्राई करूंगी मैं कुछ दिन के बाद, शायद हो सके विंटर सीजन में मेरे फेस पर चला जाए, इसलिए ये अभी तक मेरे पास रखा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो ये है रोज हिप का फिर से फेस पैक। तो रोज हिप का सिरम मंगाई थी, ये मैं रिसेंट में मंगाई हूँ, फेस मास्क है ये। तो फेस मास्क इसलिए मैं मंगाई हूँ क्योंकि मेरा वो पपाया वाला मास्क खत्म हो चुका है, तो मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती थी, तो इसलिए मैं रोज हिप का ये वाला मास्क ट्राई करना चाह रही हूँ। तो ये देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत बेबी पिंक कलर में है, कैप्चर करो यार, बहुत ही खूबसूरत सा देख सकते हो, ये बेबी पिंक कलर में है, बहुत प्यारा कलर लगता है यार। इसको अभी तक मैं 4-5 बार यूज कर चुकी हूँ, अच्छा है, स्किन को स्मूथ बना देता है, टेक्सचर को स्मूथ कर देता है। गाइस हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छा है, स्किन पर बहुत ज्यादा अच्छे से जाता है, स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देता है, जो भी ओपन पोर्स है आपके उसको मिनिमाइज कर देता है। 3-4 बार मैं इसको यूज की हूँ, उसी यूज में मुझे अच्छा लगा है, लिटरली अच्छा लगा, बट पपाया वाले इससे ज्यादा अच्छा था। तो इसलिए अगर आप लोग किसी अच्छे मास्क की तलाश में हो तो पपाया वाले की तरफ जा सकते हो, ये सेकंड नंबर पे मैं दूंगी, बट फर्स्ट नंबर पे पपाया वाले ही दूंगी। सो यप, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है ये सैफ्रन नरिशिंग डे क्रीम। तो इसको मैं मंगा ली थी समर सीजन में, तो समर सीजन में इसको लगाने के बाद फेस पर बहुत ज्यादा स्वेटिंग आ जाता था, नाइट टाइम पे भी लगाने पे फेस पर बहुत ज्यादा स्वेटिंग आ जाता था। तो ये सैफ्रन है, सैफ्रन मतलब केसर, हम सभी जानते हैं केसर स्किन के लिए कितना ज्यादा अच्छा होता है, कितना ज्यादा सही होता है। तो इसलिए मैं ये वाला क्रीम मंगा ली थी, बट ये फेस पर ना बहुत ज्यादा अब स्वेट कर देता था, बहुत ज्यादा पसीना आने लगता था, बहुत ज्यादा चिपकीपन हो जाता था। तो ये पूरा पूरा बड़ा वाला बॉक्स है, इसको बड़े वाले बॉक्स को मैं रखी हुई हूँ, विंटर सीजन में ये जरूर से काम देगा। तो हाँ विंटर्स में देखेंगे इसका किस तरीके से यूज आता है। तो हाँ ये कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाला जो था वो भी बहुत ज्यादा बेहतर था, ये भी बहुत ज्यादा बेहतर है, तो आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हो। जो मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा खास है, गोल्ड मास्क है। अंदर से आप लोग देखोगे लगेगा कि गोल्ड ही गोल्ड है। ऐसे रहा हमारा गुड वाइब्स का गोल्ड ब्राइटनिंग जेल मास्क, नो पैराबेन, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री। तो इस तरीके से कार्डबोर्ड बॉक्स पैकेजिंग में है ये, और सिंपली से इस तरीके से जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये हमारा ऐसा है। और जब मैं इसे अंदर से आपको दिखाऊंगी ना, लाइक बॉम्ब बॉम्ब लगेगा बॉम्ब, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। खुल जा सिम सिम, वाओ इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। थोड़ा सा इसका कंसिस्टेंसी रनी है तो दिखाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जस्ट वेट। गाइस पता नहीं कैमरा कैप्चर क्यों नहीं कर रहा है, बट मैं साइड में आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से, मतलब इसके अंदर ना स्पार्क करता है गोल्ड, बहुत ज्यादा सही लगता है। तो मैं एक बार आप लोगों को हाथ पे दिखाती हूँ इसका डेमो देकर के, छोटा सा डेमो। और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज्यादा अलग है, सारे मास्क से अलग है हट करके थोड़ा सा, ये देख सकते हो। मैं तो सोचती हूँ कभी कभी इसे एज अ हाइलाइटर यूज कर लेने का, क्योंकि बस देख सकते हो।
सो गाइज, ये जो गोल्ड ब्राइटनिंग जेल मास्क है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा मास्क है। इसको जब आप लोग अपने फेस पर अप्लाई करोगे ना, लाइक किस तरीके से हम लोग गोल्ड ब्लीच कराते हैं तो हमारे फेस पर थोड़ा सा गोल्ड टोन आ जाता है, वैसे ही अगर आप लोग इसको अप्लाई करोगे तो आपके फेस पर गोल्ड ब्राइटनिंग वाला इफेक्ट आ जाएगा, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा और लगता है, हमारे इंडियन स्किन टोन पे बहुत ज्यादा अच्छे से जाता है गोल्ड कलर। तो हाँ, आप लोग इसको चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। गाइस, मेरे को दो ट्रायल पैक मिले थे, एक था वीट जर्म नरिशिंग नाइट क्रीम, दूसरा है बनाना कंडीशनर। तो बनाना कंडीशनर का तो मैं अभी तक यूज नहीं की हूँ, बट ये नाइट क्रीम का यूज की हूँ। तो ये ट्रायल पैक है, आपको इसका बड़ा वाला पैक मिल सकता है। तो गुड वाइब्स का वीट जर्म नरिशिंग नाइट क्रीम है। तो इसको जब मैं अपने फेस पर यूज की थी, एक दिन सही लगा, दो दिन सही लगा, बट तीसरे दिन मेरे फेस पर पिंपल्स आ गए थे। तो हाँ, इसीलिए, बट हाँ, जिसका स्किन ड्राई है ना, उसके लिए ये बहुत ज्यादा सही है। और एक चीज और, गुड वाइब्स के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो पैराबिन फ्री होते हैं, सल्फेट फ्री होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं, क्रुएल्टी फ्री होते हैं, और बहुत ज्यादा सही होते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल्स नहीं होते, सारे के सारे जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। बहुत बार क्या होता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट में सभी स्किन टोन को सूट नहीं करते हैं, इसलिए ये चीज हो जाते हैं कि कुछ सूट करता है, कुछ सूट नहीं करता है। तो ये जरूरी नहीं कि जो मुझे सूट करे वो आपको भी सूट करे, जो आपको सूट करे वो मुझे सूट करे, ऐसा नहीं होता है। सबके स्किन टोन अलग होते हैं, सबके स्किन टाइप अलग होते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा, अपना ओपिनियन जरूर से दीजिएगा आप लोगों को पसंद आया या नहीं। नेक्स्ट वीडियोस में फिर हो गया हमारी, आपको मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।